हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एसबीआई के बारे में। एसबीआई ने जूनियर एसोसिएट की लगभग 8,500 वैकेंसियाँ निकाल दी हैं, जिसमें कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स की वैकेंसी हैं। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट दी हुई है वो 12/4/2019 से 3/5/2019 तक, और इसका जो प्राइमरी एग्ज़ाम होगा वो मेन एग्ज़ाम की, वो तो उसकी इन्होंने एक स्पेसिफिक डेट दी है 10/8/2019 की। उसके बाद दोस्तों एसबीआई इसमें बताया है कि हमें केवल एक स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उस स्टेट की हमारे पास लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों आगे हम देखते हैं वैकेंसी डिटेल। वैकेंसी डिटेल में जैसे अहमदाबाद इन्होंने सर्कल दिया है अहमदाबाद, इसमें गुजरात की जो स्टेट की वैकेंसी है उनके लिए गुजराती लैंग्वेज मांगी गई है और 164 वैकेंसियां हैं इसमें गुजरात की जनरल की, और इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए भी अलग से वैकेंसियाँ मेंशन की गई हैं, जो गुजरात के लिए 41 है। ऐसे ही अलग अलग स्टेट के लिए दोस्तों अलग अलग वैकेंसियाँ बताई गई है हर कैटेगरी के लिए, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन सभी के लिए इसमें वैकेंसियाँ बताई गई है, और लोकल लैंग्वेज भी साथ में दी गई है कि किस स्टेट में कौन सी लोकल लैंग्वेज चलेगी। तो आगे दोस्तों इन्होंने वैकेंसियों के बाद बताया गया है, नीचे इन्होंने टोटल वैकेंसियाँ बता दिया है कि टोटल वैकेंसियाँ कितनी हैं। जो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव की वैकेंसी ऐड करके बन जाती है 8,653 वैकेंसियाँ। ओके दोस्तों, उसके बाद इन्होंने रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज बता दिया है इन्होंने। उसके बाद यदि हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, तो एसबीआई ने इसमें ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन हो रहेगी, और इसमें हम कट ऑफ की भी बात करेंगे कि इसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी थी, तो उसके लिए देखते रहें। आगे इन्होंने एज लिमिट जो इन्होंने बोल दी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो वो 31/8/2019 तक ग्रेजुएशन होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। और दोज हु आर इन फाइनल ईयर या सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन में आल्सो प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन, जो फाइनल सेमेस्टर में है ग्रेजुएशन के वो भी दोस्तों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट 1/4/2019 के अनुसार होनी चाहिए, 20 से ऊपर होनी चाहिए और 28 से नीचे जनरल के लिए, और एससी एसटी के लिए इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का, पीडब्ल्यूडी जनरल और इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए 10 साल का, और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 साल का, और पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए इसमें 13 साल का रिलैक्सेशन है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन हम बात करेंगे दोस्तों कि सिलेक्ट दोस्तों, तो इसमें दोस्तों इन्होंने लिखा दिस एक्सेस विल कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी और मेन एग्जाम टेस्ट ऑफ सोशल। इसमें एक प्राइमरी एग्जाम होगा और एक मेन एग्जाम होगा। जो प्राइमरी एग्ज़ाम होगा वो 1 घंटे का होगा, जिसमें 30 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 35 मैथ के होंगे और रीजनिंग के भी 35 ही क्वेश्चन होंगे, और ये एक एक सभी क्वेश्चन एक एक मार्क्स के होंगे। उनका टाइम ड्यूरेशन अलग से मेंशन किया गया है, 20 मिनट तीनों सेक्शन को अलग से दी जाएगी, अलग अलग 20-20 मिनट के होंगे। उसके बाद जो प्री क्वालिफाई करेगा उसके लिए वो मेन एग्ज़ाम में बैठेगा, और मेन एग्ज़ाम जो होगा वो जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस 50
क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, 35 मिनट मिलेगी। जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, उसके लिए भी 35 मिनट मिलेगी। और क्वांटम एंट्री 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, उसके लिए 45 मिनट। ऐसे ही रीजनिंग और कंप्यूटर के लिए भी 50 क्वेश्चन, लेकिन ये 60 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग के और कंप्यूटर के जो 50 क्वेश्चन होंगे वो 60 मार्क्स के होंगे, मतलब 1.25 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों। रीजनिंग के लिए इसमें 45 मिनट मिलेंगे, 190 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे और 2 घंटे 40 मिनट इसमें टाइम मिलेगा। ये हो गया दोस्तों सिलेक्शन पर। तो इसे आप SBI की साइट पे जाके भर सकते हैं, इन्होंने फिल करने के बाद। उसके बाद दोस्तों इन्होंने पे स्केल के बारे में बता दिया है। तो मैं खुद बैंक में जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे इनकी पे स्केल जैसे 11,765 रुपये लिखा हुआ है, 11,765 से बेसिक रहेगी 13,075 जो स्टार्टिंग बेसिक होगी, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन का इंक्रीमेंट लग जाता है एक। तो जैसे इस क्या के लिखा 655/3, तो बेसिक में 655 का 3 साल तक इंक्रीमेंट लगेगा, हर साल बाद 655 का 3 साल तक लगेगा 655 का, और फिर 815 का 3 साल तक, ये ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते 31,450 तक पहुंच जाएगा। जो इनकी स्टार्टिंग सैलरी पड़ेगी वो 25,000 के आसपास पड़ेगी। प्रोबेशन पीरियड के बारे में इन्होंने बताया कि 6 मंथ का इसमें प्रोबेशन पीरियड है। यदि आप इस जॉब को छोड़ते हैं तो आपको एक बॉन्ड लिमिट जो इन्होंने तय की होगी वो भरनी पड़ेगी 6 महीने से पहले अगर इसको छोड़ते हैं तो। तो इसमें जो फी स्ट्रक्चर है वो है जनरल OBC और इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए 750, और बाकी के लिए SC ST PWD के लिए 125 रुपये। प्री एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं जैसे अगरतला, आगरा, सभी स्टेटों में एग्जामिनेशन सेंटर हैं। चंडीगढ़, दिल्ली भी है, देहरादून, सभी स्टेटों में दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर हैं उनके। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं पढ़ने को, बस ये चीज़ें मेन मेन। 2018 में प्री की स्टेट वाइज कट ऑफ रही थी दोस्तों, वो थी उत्तर प्रदेश में 69.25 रही है, छत्तीसगढ़ में 67.25 रही है, बिहार में 66.50 रही है, और असम में 51.25, महाराष्ट्र में 57, मध्य प्रदेश में 66.25, कर्नाटक में 63, केरला में 69, ऐसे ही दिल्ली में 71.75, राजस्थान में 69 रही है, और पंजाब में 71 रही है, और हरियाणा में 70 रही है। जो 2018 में प्री की कट ऑफ रही है वो इस प्रकार है। और जो 2018 में मेन की कट ऑफ रही है वो सेक्शनल रही है, जैसे जनरल अवेयरनेस या फाइनेंस अवेयरनेस में इसमें रही है 22.5, इंग्लिश में रही है 21.75, और क्वांटम एप्टीट्यूड में रही है 50 में से 30.25, रीजनिंग एबिलिटी में ये 19.5 रही है, और टोटल जो कट ऑफ मार्क्स रहे हैं वो 93.75। उसके बाद जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ थी वो जनरल की 96, SC की रही है 67, और ST की 60, और OBC की 82.5 रही है 2018 के मेन में। तो 2018 के मेन में स्टेट वाइज जो कट ऑफ रही है वो इस प्रकार है, उत्तर प्रदेश में 96, हरियाणा में 99, मध्य प्रदेश में 90.92.60, पंजाब में 100.65, राजस्थान में 96.75, बिहार में 96, गुजरात में
और छत्तीसगढ़ में 91.50, महाराष्ट्र में 85.65 रही है, और ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में 98.25, दिल्ली में 104.80 सबसे ज़्यादा दिल्ली में ही रही है 2018 के मेन की कट। उसके बाद यदि हम 2016 में बात करें कि प्री एग्ज़ाम में कट ऑफ क्या रही है, तो जर्नल की जो सेक्शनल कट ऑफ रही है प्री एग्ज़ाम की 2016 में वो ऐसा 7.75 रही है, और रीजनिंग की और न्यूमेरिकल एबिलिटी की 5.5 और इंग्लिश की 6.75। यदि ऐसे ही कलर की स्टेट कट ऑफ टोटल कट ऑफ की बात करें प्री की, वो 54.75 रही है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में 64.5 और उत्तर प्रदेश में 59.59 रही है। और ऐसे ही जो प्री की स्टेट वाइज कट ऑफ मध्य प्रदेश में 54.75, राजस्थान में 64.5, उत्तर प्रदेश में 59, हिमाचल में 57.5 रही है, वेस्ट बंगाल में 51.25 रही है, और दिल्ली और हरियाणा में 66.25 रही है, और गुजरात में 42। ये 2016 की कट ऑफ है प्री की दोस्तों। और उसके बाद 2016 में स्टेट वाइज कट ऑफ भी दी गई है, तो जो स्टेट वाइज कट ऑफ रही है जर्नल की रही है वो 45.25 रही है आंध्र प्रदेश की, तो ये स्टेट वाइज दी गई है दोस्तों। उसके बाद मेन की कट ऑफ, इसमें हम मेन की कट ऑफ की बात करते हैं, तो जर्नल की 2016 में जो मेन की कट ऑफ रही है वो जीए में रही है 13.5, और इंग्लिश में रही है 14.25, और मैथ में रही है 14.5, और रीजनिंग में रही है 24.24। और स्टेट वाइज मेन की जो कट ऑफ रही है स्टेट वाइज वो मध्य प्रदेश की 100 SC के लिए रही है, और जनरल की 130 रही है 2016 में, उत्तर प्रदेश की 103 SC के लिए, ST के लिए 81.50, और जो जनरल के लिए 132 रही है 2016 की मेंस की कट ऑफ है दोस्तों। ये ऐसे ही ये सभी स्टेटों की दी हुई है, हरियाणा की 137 रही है और पंजाब की 138.50 रही है। ऐसे ही मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इनकी ये कट ऑफ रही, राजस्थान की 136 रही है। मेरे ख्याल में यही सबसे ज़्यादा थी।